तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है बारिश में नहाने में। नहीं, बारिश में नहाया ही करो यार, बारिश ही होती रहती है यार इधर, कभी धूप तो निकलती ही नहीं है। आपका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ पार्ट 3 में, 2 में, ये 2 है। पर मैंने इससे पहले एक सीरीज़ बना एपिसोड बनाया था, सीरीज़ नहीं एपिसोड बनाया था अभी, और यहाँ पर सो भी नहीं पा रहे हैं। वो एपिसोड 2 यार क्रैक हो गया, जिसमें मैंने ये घर को अपग्रेड किया था। कोई बात नहीं, मैं आपको अपना घर बता देता हूँ। पहले इतने तक ही था, अरे इतने तक का इतने तक ही था। इसके आगे मैंने थोड़ा इसको लंबा किया, ये पीछे तो सब कुछ जैसा था वैसा ही है। यहाँ पर मैंने ग्लास लगाया, इधर से इधर 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 तक मैंने ऐसे सीढ़ियों के जैसे डिजाइन बनाए फैंस की। भाई हम डिजाइन बनाने में बहुत आगे है भाई, पता नहीं क्या बोलते जो घर बनाता है, पता नहीं मैं भूल गया हूँ। और इधर यार ये क्रीपर के कारण में सब कुछ फोड़ के चले जाते हैं यार। तो इधर मैंने ठीक कर दिया है, तो इधर आगे भी कांच है, नीचे भी कांच है, और इधर भी कांच है। और यहाँ पर एक सरप्राइज है भाई आपके लिए। सोचो इसके नीचे क्या होगा, अंडरग्राउंड है। क्या बना सकता है कोई अंडरग्राउंड, किसी ने सोची ना होगी ऐसी चीज़ बनाई है। और इधर भी मैंने कांच लगाया है। और अंदर जाते एक सेकंड पहले अंदर नहीं जाता, ये साइड वाला ये गड्ढा बता देता हूँ। ये भाई पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मैंने इसे गड्ढा कर दिया है। टैन टैन, किसी ने सोचा होगा भाई हमने फार्म बना डाला ऊपर, पूरा पूरा का पूरा फार्म। और गैस आप लोग बताना ये सीडर्स आपको कैसा लग रहा है। मैंने ट्रेलर के जैसे बनाने की कोशिश की है माइनक्राफ्ट को, ट्रेलर में जैसे सीडर्स थे ना वैसे सीडर्स लगाए, तो बताना कैसे लग रहे हैं। और किसी ने सोची होगी हमने अंडरग्राउंड बना डाले। तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते। और ये सारी सारा कचरा है जो भी मेरे को मिला था, वो इसको खोद के बहुत टाइम लगा था यार, पूरी वीडियो क्रैश हो गई है। बहुत दुख होता है भाई, पूरी वीडियो क्रैश हो गई, मैं डाल ना सकता यार, 10-12 व्यूज़ की नुकसान हो गई। कोई बात नहीं, अभी जाते हैं। और मेरे दोस्त ने मेरे पास चैलेंज दिया है कि तुझको 40 डायमंड्स ढूंढने, तो आज देखते हैं भाई पूरा कर पाते नहीं कर पाते। 2-3 घंटे लगने वाले हैं, मेरे को लगता है मेरी मेमोरी फुल होने वाली है। तो कोई बात नहीं, सारा सामान रख देते हैं और थोड़ा खाना ले लेते हैं, फिर जाते हैं एक बार सुबह जाते हैं। तो इधर मैंने सारा सामान रख दिया है, अभी चलते हैं माइनिंग के लिए। 1 सेकेंड, अच्छा हुआ मैं गया नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं, मेरे को फूड कलेक्ट करने के लिए जाना है, मेरे पास फूड है ही नहीं। और 1 सेकेंड में अपने पास थोड़ा 9 आयरन हो गए, उसको स्मेल्टिंग में रख देता हूँ। तो हाँ 9 ही आयरन है मेरे पास, इसको स्मेल्टिंग में, मेरे को बोलने में बहुत तकलीफ थी, स्मेल्टिंग में रख देते हैं और चलते हैं हम वुड कलेक्ट करने। तो अभी हम जा रहे हैं वुड कलेक्ट करने के लिए। भाई ये बहुत दूर है यार, हद से ज़्यादा दूर है यार ये तो, और पानी भी दूर है बहुत ज़्यादा। पर ये बात अच्छी है कि सब कुछ ऐसा मस्त है भाई, प्लेन खुली खुली जगह, हम फार्म वार्म बहुत सारे बड़े बड़े बना सकते हैं। और ये भाई आ गया हमारा जंगल, बड़ा जंगल है वैसे तो। और हाँ यहाँ पर ये एक भाई, यहाँ पर लावा पुल था, और लावा पुल में मैंने बनाने की कोशिश की थी ये वाला चीज़, इसको क्या बोलते हैं, रोइंग पोर्टल बनाने की कोशिश की थी। और ये 2 जगह रह गई थी क्योंकि मेरा पानी खा गया था। इसको पूरा कर दे क्या, चलो पूरा कर देते हैं। पानी रखा, लावा लिया, लावा रखा, पानी लिया, पानी रखा, लावा लिया। अब इसको भी इधर डाल देते हैं। पर 1 सेकेंड, ये दूसरा ऑब्सीडियन किधर से आ गया यार, ये दूसरा किधर से आ गया, कोई ग्लिच तो नहीं है। ये दूसरा ऑब्सीडियन पहले इधर लगा के देखते हैं, तभी देखते दूसरा ऑब्सीडियन आता है कि नहीं आता। इधर ये पानी रख देते और देखते क्या होता है। वॉट भाई, दूसरा दो दो ऑब्सीडियन किधर से आ रहे हैं यार, माइनक्राफ्ट का ग्लिच तो नहीं है ना। इसको 200 साल तोड़ने के लिए लगेंगे। फाइनली 200 साल के बाद ये 2 ऑब्सीडियन टूट चुके हैं। अब हमको यार वीडियो आगे बढ़ानी चाहिए, इधर तो नेदर में जब जाएंगे तभी आएंगे। अभी ये तोड़ना स्टार्ट करते हैं। इधर हमारी पिकेक्स टूट चुकी है, अब हमको जाना पड़ेगा। तो हम सीधा मिलते हैं माइनिंग में मिलते हैं। तो इधर सारा सामान मैंने
मतलब सारा सामान तो नहीं, पर सारा सामान मैंने बना लिया। सिर्फ मेरे को पिकेक्स ही बनानी थी सारी, और थोड़ा आयरन भी, दो दो बचा है आयरन, थोड़ी पिकेक्स भी बना ली। और ये पेड़ को यहाँ पर उगा डालते हैं, चार पांच पिकेक्स बनाई, वो तो दूसरा आएगा ना हमारे पास जो क्या बोलते हैं आयरन, उससे बना डालेंगे। और थोड़ा खाना ले लिया क्या? थोड़ा खाना भी बना देते तो, इधर बहुत सारे बना लेते। तो इधर मैं बहुत सारा ब्रेड बना के आ गया हूँ, और हम यहाँ यहीं पर चलेंगे। ये फार्म के पास एक केव है, ये देखो, ये मतलब केव नहीं, नीचे यार पूरा यार बहुत बड़ा यार, ये बहुत बड़ी केव है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। ये आ गई है तो हमको यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं बेवकूफ़ी भी तो करूँगा नहीं कि भाई MLG कर लूँ, इतने भी हम प्रो नहीं है तो MLG कर दे। और ये भाई पॉकेट एडिशन है, इसमें वैसे भी बहुत मुश्किल से यार होती है MLG, तो मैं ऐसे ही जाएंगे भाई पूरी सेफ्टी के साथ। तो इधर जाते हैं, इधर ये पानी को लेते हैं और आराम से नीचे जाते हैं, मस्त नहाते नहाते। और ये भाई 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 भाई, अरे 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 भाई, बच गए स्केलेटन भाई। स्केलेटन बहुत खतरनाक है, मर जाता अभी। धड़कन यार दिल में आ गई थी, दिल में धड़कन क्या, धड़कन तेज हो गई थी। धड़कन दिल में ही होती है ना, कि दिल में धड़कन होती है, पता नहीं क्या होता है, कमेंट करना। और ये अरे यार ये कितने ज़्यादा मॉब है इधर, ये इधर से भागते भाई, दूर भागते। और यहाँ पर डायमंड है, नहीं ये डायमंड नहीं है, इधर भाई कितने सारे मॉब है, इनको तो मज़ा से खाना पड़ेगा। ये ले मकड़ी, ये ले, ये ले, अरे दो 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 किधर से, मेरे को तो एक ही दिख रही थी। और आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा, ये रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो अंधेरे में थोड़ा आपको कम, रिकॉर्डिंग में ज़्यादा ही अंधेरा आ जाता है, पता नहीं उसको अंधेरा क्या पसंद है या फिर दिखता नहीं है रिकॉर्डिंग को। और स्केलेटन, ये स्केलेटन तो मुझे मारेगा, तो मुझे मारेगा, पता नहीं तू किससे पंगा ले लेता है। रुक तेरे को नीचे गिराता हूँ, रुक रुक। और ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया, एक सेकंड इसको मार दे देना यार दोनों। और ये दोनों गिर गए एक ही बार में, वाह। तो भी आगे चलते हैं और डायमंड की खोज करते हैं। इधर सभी जगह पर ऐसे टॉर्च लगाते लगाते जाते। और हम किधर से गिरे थे, हम शायद से ऊपर से गिरे थे, इधर से, इधर कहीं से गिरे थे पता नहीं। और इधर थोड़ा आयरन है, आयरन भी कलेक्ट कर लेते भाई, मस्त है। ये शेडर्स में कितनी मस्त लगती है ये सारी चीज़ें। आपको भी ये शेडर्स चाहिए तो भाई कॉमेंट करना, जिसको भी चाहिए होगा तो उसको दे दूँगा। तो अभी ये यहाँ पर गोल्ड भी मिल चुका है भाई, सोना ही सोना, सोना ही सोना, मतलब सोने वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना, सोने वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना, समझ रहे हो। और इधर यार अभी गिर जाता, कोई मॉब आके मार के ना चला जाए यार, पूरा गिर जाऊंगा, सारा सामान जाएगा अभी। और इधर यार पानी है, पानी में नहीं भाई, क्या बोलूँ यार, मैं अभी बोल रहा था कोई मॉब आके ना मार जाए भाई, पूरा वो स्केलेटन ने मारा एक तीर और मैं चला गया यार। अभी रात हुई, पहले सो जाते हैं, सो के उठते फिर जाते हैं। तो गाइस मैं इधर आ चुका हूँ, पर मैं नीचे गिर जाऊँगा तो मैं इधर से जाऊँगा कैसे, पर मेरे को एक आइडिया लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मेरे को पिकेक्स बनाने दो। तो इधर मैं पिकेक्स बना के आ गया हूँ। मेरा आइडिया क्या है कि मैं है ना यहाँ पर ये स्टोन तोड़ूँगा, और आगे मेरे को पानी दिख रहा है, सीधा पानी में डाइव मारेंगे। तो इधर मैंने सारा सामान भी डाल दिया, अगर मर जाऊँ ना तो मेरा आ जाए। और ये जाते 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 ओ भाई, जा सकते भाई, जा सकते हम इधर से जा। तो चलिए फिर से डाइव मारते, और ये चले 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 भाई भाई भाई, आ गया आ गया, खतरनाक भाई। 5 minutes later मरा मरा मैं मरा बरे रे 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 भाई, कब का मेहनत कर रहा था, सब सामान भी मिल गया था, पता नहीं ये दो किधर से आ गया। फिर से नहीं, फिर से जाना पड़ेगा, और फिर से उड़ी मारते, और ये उड़ी मारते जाना पड़ेगा भाई साहब। फिर से जाते हैं, और ये पानी में कितना पानी में यार, पानी से थोड़ा दूर गिरा यार। फिर से जाते हैं, अभी तो मेरे को टेक्निक पता चल गया, पूरा इधर से इधर जाएंगे। और ये चले गए, अब तो सबको मार के रहूँगा, देखो सबको ख़त्म कर डालूँगा, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। A few minutes later. यार HP बहुत लो है स्केलेटन, मैं बोलने जा रहा था स्केलेटन मारना मत। फिर से उड़ी मारते, इस बार तो पानी में गिरूंगा, और ये पानी में ही गिरा। Much later. और इधर भाई हाफ हार्ट है मेरा, मेरे पास खाना भी नहीं है,
मैं देख रहा हूँ कोई जोम्बी आ जाए तो जोम्बी को मार के हम उससे उसके पास से रोटन फ्लैश ले लेते। भाई आप बात, इस बार तो जाके मार के ही रहूंगा, इस बार तो हार नहीं मानेगा। और ये पानी में गिरा जाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अब सीरियस हो जा, अब तो सीरियस भाई, अब तो मार के ही रहूंगा सबको, सबको खत्म करिए। पानी में गिरा, अब आगे जाते सारा सामान लेके आते, सारा सामान ले लेते आगे जाके जा। और इधर गाइस हमको हमारा पहला नहीं दूसरा डायमंड मिल चुका है, बहुत खुशी हो रही है। पर इधर यार कोई मॉब आके मार के ना चला जाए, अभी तक तो मैं नहीं मरा। एक डायमंड हमारे पास है और इसको तोड़ डालते हैं, इसको तोड़ डाला, इधर से निकलते हैं और भाई ढूंढते वापस से सब कुछ डायमंड। और इधर हमको दूसरी पट्टी भी डायमंड की मिल चुकी है यार, इधर पास ही में दो दो पट्टियाँ डायमंड की है भाई, सब 1 पॉइंट रिडीम में तो मिल ही जाता है। और -50 में मिलता है ना सब, लगभग -50 में मिलता है, तो हमको पहले -50 पे जाना पड़ेगा। सीधा पर डायमंड माइनिंग चालू करते, पहले इतना सा थोड़ा सा आयरन कलेक्ट कर लेते, फिर सीधा स्ट्रिप माइनिंग पूरा। और फाइनली गाइस हमने हमारा गोल पूरा कर दिया है, 41 डायमंड्स, तो मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। बेकार की चीज़ें इधर रखते हैं और चलते हैं भाई, पूरा आर्मर बनाते हैं अभी फटाफट। भाई 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मेमोरी भी फुल हो, तो गाइस इधर फटाफट से हम हमारा डायमंड का आर्मर बना देते हैं। और इधर एक गलती हो गई यार, मेरे पास पैंट्स थी डायमंड की, मैंने दूसरी पैंट बना दी यार, कोई बात नहीं यार, अमीर है, अमीर लोग हैं हम, अमीर लोग एक पैंट रख देंगे अंदर भाई, ऐसे डाल तो थोड़ी देंगे, तो ये सब चीज़ जो भी बची है ना वो चीज़ इधर कहीं पर रख देते, इसमें ना इसके नीचे रखते हैं। और हम टूल्स भी बना देते हैं डायमंड के, इतना डायमंड का करेंगे क्या भाई साहब, डायमंड के टूल बना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने टूल और डायमंड का आर्मर सब कुछ बना दिया, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस पूरा डायमंड का आर्मर कैसा लग रहा है, और ये शेडर्स भी यार कितने मस्त लग रहे हैं, शेडर्स में भी ये मस्त लग रहा है। तो भाई आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, भाई मैं पूरा थक गया हूँ यार, इस इमोट की तरह इमोट क्यों नहीं हो रहा है, ये बाजू वाला तो हो रहा है, एक सेकेंड ऐसे करके ये अब हुआ, ये देखो ये इमोट की तरह मैं थक गया हूँ यार, 2-3 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है और उससे भी ज़्यादा मैंने माइनिंग की है यार, मेमोरी कार्ड भी फुल हो गया, रिकॉर्डिंग भी फुल नहीं हुई भाई, पूरा भाई 9x की स्पीड पे मैंने दिखाया था, 9 या 10x की स्पीड पता नहीं। और ये तो अभी भी यार ये इतनी बड़ी वीडियो हो चुकी है, कितना काटा मैंने, कितना काटा यार, मतलब वैसा वाला नहीं माइनक्राफ्ट स्पीड में वीडियो को काटा यार, अब कुछ उल्टा मत समझना।
कोई बात नहीं, डायमंड का आर्मर यार मस्त लग रहा है भाई, वसूल वही सारी मेहनत, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं आप सब लोगों से कोई दूसरे एपिसोड में, कोई दूसरे वीडियो के साथ, कोई फार्म के साथ, कोई दूसरी चीज़ के साथ, पता नहीं किसके साथ, इच्छा होगी तो लड़की के साथ भी आ जाएंगे। चलते हैं भाई।